हाय दोस्तों, मैं मालती सराफ। आइए मालती किचन में आप सबका स्वागत है। इतनी गर्मी का मौसम है तो क्यों ना हम कुछ ठंडा ठंडा कूल बनाते हैं। चलिए आज हम बनाते हैं फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट पुडिंग। इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये मैंने 2 कप दूध लिया है, ये मैंने 1 कप दूध अलग से लिया है, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सूजी ली है, 1 टेबल स्पून शुगर लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, 2 इलायची पाउडर लिया है, और ये मैंने वेनिला एसेंस लिया है, और ये शुगर सिरप के लिए मैंने 1 टेबल स्पून शक्कर लिया है और 1 टेबल स्पून पानी लिया है, और फ्रूट पुडिंग के लिए मैंने 1 केला लिया है, 1 बनाना, 1 चीकू लिया है और कुछ अनार के दाने लिए हैं, और ड्राई फ्रूट पुडिंग के लिए मैंने बादाम लिए हैं भीगे हुए, इसे मैंने कट कर लिए हैं, और ये मैंने पिस्ता लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं, अभी हमारी पुडिंग की तैयारी करते हैं हम। आइए हम सबसे पहले पुडिंग का बेस बना लेते हैं। इसके लिए जो मैंने 2 कप दूध लिया है वो हम पेन में डाल देंगे। और इसे हम अच्छा बॉईल देंगे। ये देखिए हमारे दूध में इसमें एकदम बबल्स आ गए मिल्क में। मिल्क को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। इसे हमें 2 मिनट तक इसे ऐसे पूरा घुमा के थोड़ा ठीक करना है, थोड़ा 2 मिनट बस। अभी हमारे इसमें दूध में अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें हम जो हमने 1 टेबल स्पून रवा रखा था सूजी, ये हम इसमें डाल देंगे। अब सूजी डालने के बाद में कंटिन्यूस हम इसे हिलाते रहेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अगर इसे एक बार भी हम छोड़ देंगे हिलाना तो इसमें लम्स आ जाएंगे, तो हमें इसे कंटिन्यूस हाई फ्लेम पे ही इसे यूं घुमाते रहना है। देखिए मिल्क कैसे गाढ़ा होने लगा है, हमें इसे और अभी ठीक करना है थोड़ा। हमें इसको इस तरह हिलाना है कि हमें नीचे का पेन ये पूरा दिखना चाहिए, जो उसका तलवा होता है पेन का, ये देखिए तलवा दिख रहा है, ताकि हमें पता चलता है कि ये नीचे चिपक नहीं रहा है। साइड से भी हमें ऐसा पूरा ले लेने का है। ये देखिए हमारा अभी रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए, ये देखिए हम आपको बताती हूँ, ये ऐसा नीचे गिरना चाहिए। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको अभी हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि हम फ्रूट और ड्राई फ्रूट पुडिंग बना रहे हैं, तो हम इसे हाफ हाफ करेंगे। अभी ये हम चार व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, 4 पर्सन के लिए। अभी इसे हमने हाफ हाफ कर लिया 2 जगह, और मैं इसमें ठंडा दूध 1-1 चम्मच डाल रही हूँ। ये 1-1 चम्मच ठंडा दूध डाला मैंने, और मैं एक में जैसे मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ये 2 इलायची मैंने कूट के बारीक करके रखी है, और एक में वेनिला एसेंस डाल रही हूँ मैं, करीबन 4-5 बूंद। अभी इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर देने का है। हमें ऐसा लगे कि हमारा ये बैटर थोड़ा थिक हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा दूध मिक्स कर सकते हैं। एक चम्मच दूध और डाल रही हूँ मैं इसमें। अभी हमने 1 टेबल स्पून शुगर रखी थी, उसे मैंने शुगर को शुगर पाउडर कर लिया है, ये मैं इसमें शुगर पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून का मैंने हाफ हाफ दोनों में डाल दिया। दोनों को शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये हमारा इलायची फ्लेवर का है, ये हमारा वेनिला फ्लेवर का है। अभी सबसे पहले हम पुडिंग का बेस जो बेस बनाते हैं उसको हम सेट कर लेंगे। ये मेरा इलायची फ्लेवर वाला है, करीबन आधा बाउल में इसमें सेट कर दूंगी ये। ये वेनिला फ्लेवर है, क्योंकि ये बेस हमारा अभी बहुत गर्म है।
इसे मैं 10 मिनट फ्रिज में रख दूंगी। अभी हम पुडिंग के ऊपर वाली लेयर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध को अच्छा बॉईल देंगे हम। दूध को अच्छा हाई फ्लेम पे हम बॉईल देंगे। जब इसमें उबाल आने लग जाए तो हम गैस को सिम करेंगे। अभी इसमें उबाल नहीं आया, हम इसे उबाल होने तक। अभी हम ये कस्टर्ड पाउडर जो 1 टेबलस्पून मैंने लिया है, कस्टर्ड पाउडर कभी भी ठंडे दूध में मिलाने का, ये गर्म दूध नहीं है, ये रूम टेम्परेचर दूध है। हम इसमें ये मिल्क में डाल देंगे और इसे अच्छे से घोट लेंगे हम। इस तरह से मिला लेंगे इसे अच्छे से। अभी दूध में उबाल आ चुका है, मैं गैस को सिम कर दूंगी इसे अच्छा है। 1-2 मिनट तक मैं उबलने दूंगी अच्छा, ताकि इसमें दूध की जो उबलने से जो दूध में खुशबू आती है अलग सी, मावे सी, 2 मिनट भी आप करोगे तो एक मावे जैसी खुशबू आ जाती है। अब इसमें हम 1 टीस्पून शुगर डाल देंगे। शुगर बहुत कम डालनी है हमें इसमें। अभी हम गैस का फ्लेम हाई करते हैं और जो मैंने ये बनाया है कस्टर्ड का रूम टेम्परेचर मिल्क के अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल के, ये इसमें डाल देंगे हम और इसे कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। जैसे कंटिन्यूस हिलाना दिए ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। किसी किसी को कस्टर्ड का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप मिल्क के अंदर, आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। जनरली ये कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए रवा हमने फ्रिज में 10 मिनट हमारा सेट कर लिया है। ये हमारा कितना अच्छा जम गया है रवा, ये देखिए एकदम जम गया रवा। अब ये कस्टर्ड पाउडर हम ये जो बनाए हैं बैटर, ये हम गरम गरम ही डालेंगे इस पर, क्योंकि अगर कस्टर्ड को हम ठंडा करेंगे बाहर तो उसमें वो जम जाएगा। तो इसे गरम गरम ही हमें कप में सेटिंग करनी है। 2-2 चम्मच डालने के हिसाब से इसकी हम सेटिंग कर देंगे ऐसे। और चम्मच की सहायता से हम इसे बराबर फैला देंगे अच्छे से। ऊपर की जो सतह रहती है, ऊपर की तह, ये एकदम प्लेन कर देंगे। अब इसे हम 20 से 25 मिनट फ्रिज में ठंडा करने रख देंगे। अभी हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, चालू करेंगे और इसे हाई रखेंगे हम। इसमें हमने 1 टेबलस्पून शुगर ली है। शुगर हमारी मेल्ट होगी धीरे धीरे। ये देखिए हमारी शुगर कितनी अच्छी मेल्ट हो गई है, इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। अब इसमें हम पानी बहुत थोड़ा डालेंगे। ये देखिए हमारा शुगर सिरप कितना अच्छा रेडी हो गया है। ये देखिए हमने इसे फ्रिज में 25 से 30 मिनट तक हमने इसे जमा दिया है। कितने सुंदर जम गए हैं। इसके कलर आपको दिखा सकती हूँ, 2 कलर कितने अच्छे हैं, येलो एंड वाइट। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप डाल देंगे। हाफ टी स्पून के करीब एक बाउल में हम शुगर सिरप डाल देंगे।
अभी ये आगे वाला हमारा ये वाला जो है ये हमने इलायची फ्लेवर का बनाया है, तो इसमें हम पिस्ता से ड्राई फ्रूट से डेकोर करेंगे। ये हमारा ड्राई फ्रूट पुडिंग है। और ये वाला हमारा फ्रूट पुडिंग है, तो इसमें हम फ्रूट से इसको डेकोर करेंगे। ये मैंने बनाना स्लाइस लिया है, आपको जो फ्रूट पसंद है आप वो फ्रूट डाल सकते हैं। मैंगो का सीजन है, आप इसमें मैंगो भी डाल सकते हैं। ये चीकू थे मेरे, चीकू डाले मैंने इसमें। आपके ऊपर डिपेंड, आप सजावट कैसी करते हो, इसकी सुंदर लगना चाहिए बस। ये देखिए हमारे ये ड्राई फ्रूट पुडिंग, ये हमारे फ्रूट पुडिंग। अभी आप कैसे लगा आपको जरूर बताइए दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा ये जो डिश है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे कोई नई डिश के साथ आपके लिए।